हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस आरएमए हिंदी। तो यार, जैसे कि तुमने थंबनेल और टाइटल देखा, आज हम लोग बात करेंगे आफ्टर वानो आर्क होने वाले इवेंट्स को लेकर के। आखिर क्या क्या आर्क्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है वानो आर्क के बाद। अब यहाँ पर तुम ध्यान देना, मैं यहाँ पर वानो आर्क अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनिगासिमा रेड खत्म हो जाने के बाद वानो आर्क खत्म हो जाएगा। हो सकता है इसके बाद हमें और दो तीन चीजें देखने को मिल जाए, बिकॉज अभी भी दो एक्ट बाकी हैं। खैर, एक और चीज तुम सब जान लो, ये सारी चीजें आफ्टर वानो आर्क होने वाली चीजों के बारे में अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन सा आर्क हो सकता है। तो यार, यहाँ पर हम लोग अंधेरे में तीर चलाने वाले हैं। अब तुम इसको जो समझना चाहो समझ सकते हो, इसे तुम थ्योरी समझो या प्रेडिक्शन समझो, एक ही बात हुआ, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो चलो आओ टॉपिक पे आते हैं। अब यार देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो ओनिगासिमा रेड खत्म हो जाएगा, काइडो के डिफीट होने के बाद वानो आर्क खत्म हो जाएगा, तो तुम गलत हो, बिकॉज अभी भी दो एक्ट होना बाकी है। प्लस काइडो का डिफीट होना, ये कहीं ना कहीं एक तरफ से इशारा करेगा वर्ल्ड को अनबैलेंस होने में, और इस बार बहुत तगड़ा वाला अनबैलेंस होगा। और जैसे कि तुम सब जानते हो, जैसे ही काइडो डिफीट होगा भाई, वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके ऊपर कब्जा करना चाहेगी, तो अभी सी बात है लूफी को उसको अपने अंदर लेना पड़ेगा, वहां पर उसको योंको वाला काम करना पड़ेगा। अब यहां पर जो एनिमे वॉचर्स हैं, तुम लोग यहाँ पर कमेंट कर करके जान मत खाना कि भाई लिलिन का क्या हुआ, बिग मॉम का क्या हुआ, बिग मॉम का क्या होगा, बिकॉज मैं यहाँ पर तुम सबका मांगा स्पॉइलर दे करके मजा किरकिरा करना नहीं चाहता। तो इस वजह से यार उसको हम लोग साइड हटा देते हैं, एक तरह से समझो उसको किसी तरह से साइड हटा दिया ओडा ने। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, काइडो का डिफीट होना एक तरह से यार वर्ल्ड को पूरी तरह से अनबैलेंस कर देगा, और खासकर वानो आर्क में वर्ल्ड गवर्नमेंट कब्जा करना जरूर चाहेगी। निको रॉबिन को भी कैप्चर करना उनके मन में आएगा, बिकॉज यार निको रॉबिन को अगर वो कैप्चर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनका सबसे बड़ा सरदर्द ही गायब। बट यहाँ पर निको रॉबिन कैप्चर नहीं होने वाले, बिकॉज अगर निको रॉबिन कैप्चर होती है तो ये एक तरह से इशारा करेगा लूफी का वर्ल्ड गवर्नमेंट पर हमला करना, जो कि अभी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और लूफी यार उसको कैप्चर होने देगा भी नहीं, बिकॉज कैप्चर हो जाएगी तो एक तरह से यार वन पीस की स्टोरी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि भाई सैबो का क्या होगा, सैबो सेफ है, बिकॉज तुम जानते हो भाई किसको रिपीटेटिव कंटेंट पसंद है। भाई ओडा के दिमाग में ऑलरेडी प्लान सेट है किस हिसाब से फाइनल वॉर करवाना है। यहाँ पे कुछ लोग आकर के बोल सकते हैं, बट भाई ओडा ने तो बोला था वो फाइनल वॉर करवाएगा। भाई यार फाइनल वॉर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ओडा ने बोला था वानो आर्क के बाद वो मांगा हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर ड्रॉ करेगा, जिस पे कोई शक नहीं है वन पीस का वॉर जरूर होगा। बट क्या तुमको लगता है अगर सैवो, वीवी या फिर बोआ हैनकॉक पकड़े जाते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? भाई बहुत सारे लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा, सैंक्स वहाँ पे सपोर्ट करने नहीं आएगा, या फिर काइडो का जो बीस्ट पायरेट वो भी सपोर्ट करने नहीं आएगा। भाई वो तो अपना फैमिली वाला मामला हो जाएगा ना, तो ये चीज नहीं होने वाला, ओडा ये चीज को नहीं करेगा। ओडा ने बोला था वानो आर्क के बाद सबसे बड़ी वॉर वो ड्रॉ करेगा, तो इसके लिए यार सबसे पहले यार उसको सेटअप करना पड़ेगा। जितने भी वन पीस में अभी तक वॉर दिखाए गए हैं, सबसे पहले ओडा उन्हें सेटअप करता है। मरीन फोर्ट का ही एग्जाम्पल ले लो, उसके लिए ही कितना ज्यादा सेटअप किया ओडा ने, उससे पहले कितने ज्यादा आर्क आए, बहुत सारे आर्क आए वहां पर ले करके, फिर वहां से चीजों को जोड़ा और लास्ट में जाकर के मरीन फोर्ड वॉर दिखाया। वैसे ही होगा जब फाइनल वॉर होगा ना, तो उसके लिए ओडा ओनिगासिमा रेड खत्म होगा, तो उसके बाद हो सकता है फाइनल वॉर के लिए वो प्लान सेटअप करना, स्टोरी सेटअप करना, बिल्ड करना शुरू कर दे। हो सकता है इस बीच हमें दो तीन और आर्क देखने को मिल जाए, जो छोटे छोटे आर्क हो, बिकॉज वन पीस अपने एंडिंग की तरफ बढ़ चुका है। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि एल्बाप हो सकता है, जिसपे कोई शक नहीं है, एल्बाप होना भी चाहिए, एल्बाप अगर होगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, और एल्बाप पे तो लूफी जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल उसको जाना ही है। और क्या ये उसॉप का आर्क हो सकता है? मैं भी चाहता हूँ उसॉप का आर्क हो, उसको भी थोड़ा बहुत पावर अप मिले, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बट अगर तुम मेरे से पूछते हो मेरा क्या मानना है, मेरे को ऐसा लगता है इसके बाद लूफी शायद टोटो आइलैंड जा सकता है। तुम बोलोगे कैसे? अब भाई देखो, ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा अजीबोगरीब टाइप का प्रेडिक्शन हो जाएगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है, तो ये चीजें भी मैं शेयर कर देता हूँ। अब जैसे कि तुम सब जानते हो योनजी और निंजी को पकड़ लिया गया, साथ ही साथ जर्मा वाले वहां से भाग रहे।
अब तुम मुझे बताओ, क्या सांजी का फर्ज नहीं बनता कि उनके लिए वहां पे फाइट किया जाए, भले ही जैसे भी है उसके परिवार वाले। और लूफी भी अगर ये बात जानेगा तो उनको फ्री जरूर करवाना चाहेगा। प्लस तुमको याद है जब लूफी वर्सेस काटाकुरी का फाइट हुआ था, वहां पर लूफी ने बोला था वो दोबारा वापस आएगा अगर भाई ये सारे कांड नहीं होते हैं। तो भाई लूफी के पास रीजन ही नहीं बचेगा वो टोटो आइलैंड वापस जाए। उधर एल्बाफ गया, एल्बाफ में मान लो अगर उसको चौथा पॉनिक्लिफ मिल जाता है, मान लेते हैं यार, या फिर कहीं और जाके पॉनिक्लिप मिल जाता है, तो वो क्यों जाएगा टोटो आइलैंड? टोटो आइलैंड जाने का बात ही नहीं उठता है। तो मुझे लगता है वानो आर्क के बाद हमें 2-3 और आर्क देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे टोटो आइलैंड का छोटा मोटा हमें आर्क देखने को मिल जाए जहां पर वो जर्मा वालों को छुड़ाएगा, बिकॉज लूफी ऑलरेडी योंको जितना तो स्ट्रांग हो जाएगा, तो वहां पर जाकर के हमें ज्यादा कुछ लूफी को ट्रेनिंग करना नहीं पड़ेगा, हमें डायरेक्ट फाइट भी दिखा सकते हैं और लूफी वहां पर छुड़ा भी दे, जिसके बाद से जर्मा वाले भी लूफी के सपोर्ट में आ जाए। उसके बाद हो सकता है यार वो लॉर्डस्टार आइलैंड भी जा सकता है, जिसपे मुझे कोई हैरानी नहीं होगा अगर वो वहां पर जाता है तो। अब यहां पर एक और सवाल उठता है, क्या वो सैंक्स से मिलेगा? तो हम लोग जरा सैंक्स की बातों को याद करते, जब उसने हेड दिया था तो उसने कहा था जिस दिन वो उसे सरपास कर देगा उस दिन ये हैट उसे लौटा देगा। अब देखो सैंक्स कौन है भाई? सैंक्स एक योंको है। अगर लूफी एक योंको बन जाता है तो भाई वो सैंक्स के लेवल का हो जाएगा। बट यहाँ पर ये बात याद रखना, उसने कहा था सरपास करने की बात, ये उसके लेवल का होगा। जब तक उसे सरपास नहीं करता भाई वो हैट कैसे लौटा देगा? मुझे लगता है जब तक लूफी पायरेट किंग नहीं बनेगा तब तक वो उसको अपना हैट नहीं लौटाने वाला। प्लस एक और चीज पे मैं बात करना चाहूंगा, आखिर वानो आर्क के बाद लूफी का बाउंटी कितना होगा? मैं ओडा के कुछ जंप फेस्टा वाले स्टेटमेंट्स को लेना चाहूंगा, जहां पर जंप फेस्टा में ओडा ने कहा था मेन कैरेक्टर पे ध्यान देना। कुछ इशारे समझ रहे हो भाई? देखो जब काइडो डिफीट होगा वानो आर्क फ्री हो जाएगा, तो वहां पर हो सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट कब्जा करना चाहे और वहां पर लूफी वॉर छेड़ दे, एक तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ, मरीन्स के खिलाफ वो लड़ना चाहे, जिससे वो प्रोटेक्ट कर देगा वानो कुनी को, और ये यार वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। प्लस वो एक योंको जितना तो स्ट्रांग बन ही चुका होगा काइडो को हराने के बाद, या फिर कह लो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको योंको जितना स्ट्रांग तो मानती ही होगी, जिस वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ेगा और ये एक तरह से उन कामों में गिना जाएगा जो अब तक यार बड़े बड़े काम हुए, जैसे सैंक्स ने मरीन फोर्ड को रुकवा दिया था, समझ रहे हो ना? ये भी एक तरह से उस लेवल का काम होगा। और ओडा ने कहा था मेन कैरेक्टर पे ध्यान देना, तो भाई लूफी भी तो वो काम करेगा ना, ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला, तो हो सकता है इस वजह से लूफी की बाउंटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। और क्या उसका बाउंटी हमें काइडो से ऊपर रखना चाहिए? तो ये सारी चीजें जो मैंने कही, इन सब चीजों को देखने के बाद मेरे हिसाब से रख देना चाहिए, हो सकता है उसकी बाउंटी काइडो से ऊपर चल जाए। अब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकता, बट मेरे को लग रहा है एक तो उसकी बाउंटी काइडो से ऊपर जा भी सकती है, जिसपे हमें हैरान नहीं होना चाहिए था। अब तुम्हारा क्या मानना है तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर तुम मेरी बातों से एग्री करते हो तो यार इस वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुम्हारा कुछ और मानना है तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और अगर तुम इस चैनल पे घूमते घामते नए आ गए हो तो यार जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर वन पीस रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, वो भी रेगुलर बेसिस पे, जिससे तुम सब यार इंजॉय कर सको वन पीस के वीडियोस, वो भी हिंदी में। और अगर तुम फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा और तुम पहले ही से इंजॉय कर पाओगे। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।